कभी तुम्हारे साथ हुई है? जैसे अपन कुछ भी लिख रहे हैं ठीक है, चीज बच्चे ने चार पेज लिखाना था भाई, चार पेज ही लिखाना था। कैसे कम बैक लव वीडियो यार, मैंने पता है दादाजी का चौथा बड़े दिन बाद देखा है भाई, देखा है पढ़ती है बट उधर देखता नहीं हूँ मैं, गंदा हो रहा है, साफ करना है इसको, कहीं किधर आके साफ कर दूंगा पूरा। पहले सब ये करते थे पापा के टाइम पे, अब वो काफी टाइम से नहीं हुआ भाई। इसको भी साफ करना है, दादाजी के चौथरे को काफी गंदा हो चुका है ये, इसको आराम से अपन क्लीन कर देंगे बहुत अच्छे से प्यार से। ये वाला चौथरा भाई, ये अपने भैरव बाबा का है, भगवान का प्रणाम, इस पर हम बैठा करते थे, अभी बैठते हैं। ये बेरी बहुत बड़ी हुआ करती थी पहले, अब तो छोटी छोटी हो गई बेचारी, है कट गई हैगी ना, सार थी पहले गायों की, पता है गाय बनती थी आज से लगभग 8-9 साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे। अरे भाई अपना काम करना है कि नहीं करना यार तुम्हें, है टाइम हो रहा है वैसे ही, बेर अच्छी बेर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। वो लग गया कांटा, कांटा इतनी तेज चुपता है कि कुछ नहीं कहा। चलो बेर तुम्हें अभी थोड़े अच्छे हैं, होली के बाद सड़ जाएंगे बेर पूरे। आज काफी टाइम बाद मैं आपको निकालता हूँ नोटबुक, कहाँ है मेरी नोटबुक, ये बस ये भैया निकल गया, ये निकल गई नोटबुक, भाई तुम भी निकल गई क्या, तो इधर रखा जाओ बैठो, दैट्स माय नोटबुक एंड भाई चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। ये है मेरी इतनी बुरी राइटिंग बताए तुम्हें, ये मेरी राइटिंग अच्छी खासी है बट भाई बहुत अच्छी है, इसमें थोड़े फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं मेरे ब्रेन के साइकोलॉजी के, ये हैं भैया पूरे के पूरे फॉर्मूला रख के लिखता हूँ मैं बताए। वैसे काफ़ी टाइम बाद नहीं, अभी उठाई थी शायद कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले नोट लिखे थे मैंने मेरे लिए। रिपीट डोंट सी बोरिंग थिंग्स इन लाइफ, बोरिंग ह्यूमन इज अ पावरफुल, या ऑफ कोर्स वर्ड मैं पीछे से लिखता हूँ भाई, ये पूरा भर रखा है मैंने, ये मेरी पेन है, ये पूरा का पूरा भरा था कल मैंने ठीक है, कल परसों, ये मेरा ये सब भैया ने लिखा था, हम लोगों की चीज़ लिखी हुई है, ये सब लिखते रहते हैं हम पता है, जो जो हमें चाहिए रहता है, मतलब जो जो हम पढ़ते हैं तो उसे नोट करते हैं, तो एक काम आता है भाई वो आगे ले आके ठीक है। अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें नोट करनी है, काफ़ी चीज़ बची है अभी जो नोट नहीं हुई है मेरी, अभी तो मेरे 23 पॉइंट हुए हैं, 100 पॉइंट है जो कि मेरे को नोट करना है, जो कि भाई आगे चल के काम आते हैं। देखो 100 रूल्स इन अवर लाइफ, अपने लाइफ के 100 रूल्स जो कि अप्लाई करो अपन तो काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी अपनी, इसलिए भाई 100 रूल है अभी तो काफ़ी कम रूल है मेरे पास, 23 रूल है मेरे पास अभी जो कि अप्लाई है मेरी लाइफ में, बाकी अभी बहुत सारे बाकी जोड़ लो कितने होता है अभी और बहुत लिखना है भाई, 77 और लिखना है, 23 लिखे हैं 77 और लिखना है मेरे को अभी, चलो 77 और लिख देते हैं फिर अपना काम ख़त्म करते हैं, इसको लिखना है जल्दी से लिख देते हैं यार, बहुत सारा काम है फिर मेरे को, इसको लिखना है फिर, टाइम हो रहा है अभी बहुत सारा टाइम है भाई मेरे को, नहीं है मतलब बहुत सारा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी लिख के ख़त्म करते हैं इसको। चीज़ कभी तुम्हारे साथ हुई है? जैसे अपन कुछ भी लिख रहे हैं ठीक है, पहले तो राइटिंग देखो अच्छी आएगी थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे हिसाब से मेरी ठीक है, जैसे अच्छी राइटिंग आ रही है, उसके बाद जैसे टाइम बढ़ता जाता है लिखने का तो राइटिंग ख़राब होती रहती है पता है, क्योंकि अपने लिखने की जल्दी जल्दी तो रहती है बट वो राइटिंग बिगड़ती रहती है अपनी। ये भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ, जैसे पेपर देने जब भी जाता था मैं तो लिखते लिखते कब वो राइटिंग गंदी हो जाती थी मेरे को पल्ली नहीं पड़ती थी, पता ही नहीं चलता था, अच्छी में राइटिंग खराब होती रहती है, बस लिखते जाओ पहले तो एक नंबर की राइटिंग आई कितनी अच्छी राइटिंग है, उसके बाद जल्दी जल्दी में टाइम निकलता जाएगा तो राइटिंग बुरी होती रहती है। सोचने भाई सोचने वाली बात है, हमारा जैसा इंसान इतना लिख रहा है, ये पूरा लिखा है अभी हाल ठीक है, 10-20 मिनट लगे इसको लिखने में, 10 मिनट लगे ठीक है मिनिमम, ये पूरा का पूरा। अब भाई हमने 9th हमारी 10th में हमने नोटबुक कंप्लीट नहीं की पूरी की पूरी ठीक है, हमने 9th में कंप्लीट नहीं की, हमने 8th में कंप्लीट नहीं की, हमने 7th में कंप्लीट नहीं की, जब से कोरोना लगा है तब से हमने नोटबुक हमारी कंप्लीट ही नहीं की, हम स्कूल जाते थे पढ़ते थे घर आते थे रफ लिखा रफ अकेला उसमें लिखते थे, हमने बुक्स ही नहीं ली थी आधे तक, तो 6 महीने तक बुक ही नहीं ली, 6 महीने बाद बुक ली थी हमने सोचो, और अभी हमको लिखना पड़ रहा है ना, लाइफ में चेंज होना बहुत जरूरी बात है, ये तो है बहुत जरूरी है भाई चेंज, अभी बहुत सारे पेज लिखना भाई, अभी तो ये 25 इस पे हुए, 25 भी नहीं 23 इस पे, हाँ बराबर हो गए 25 पे हो गए, अभी ये दोनों पेज और भराएंगे मेरे, ये दोनों और भराएंगे यार, हाथ दुखने लगे यार इतने से लिमिट में, पहले लिखता था उधर पे पता है छोटे छोटे डॉट डॉट बन जाते इधर पे ना, तुम्हारे पास नहीं डॉट कभी, मेरे तो बन जाते भाई, अरे मेरा बन रहा है कोई नहीं, अपन लिखने पे फोकस करते हैं, लेट हो जाएंगे ना तो मतलब नहीं है, इसलिए भाई लिखते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है,
जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लिखो भाई। थोड़ा सा रेस्ट लिया भैया 2 मिनट का, मैंने हाथ तो बहुत तेज हो गया कसम से। ये पेज कंप्लीट हो गया, 25 और इसमें बन जाएंगे। ठीक है चलो थोड़ी सीख तुम्हें भी देते हैं, हम एक से स्टार्ट नहीं थोड़ी बहुत देते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें से। मैं तुम्हें बताऊँ कौन सी सीख तुम्हारे लिए सही होनी चाहिए यार। अच्छा लाइफ पे देते हैं, ठीक है। हाँ, जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना भाई, उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब है ना उन पर ज़्यादा ध्यान देने। ये लेसन भाई सबसे अच्छा है, सच्ची बात है। अब जैसे इसको मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको उठा के मैं उधर रख सकता हूँ, तो मेरा कंट्रोल है। बट जैसे सूरज और चांद पे मेरा कंट्रोल है ही नहीं है, उनको मैं नहीं उड़ सकता, पानी को मैं नहीं गिरा सकता ना, जब उनकी मर्जी हो गिरेंगे। तो उन पर अपना कंट्रोल नहीं, तो उनको प्रिडिक्शन मत करो पानी आज गिरेगा तो आज नहीं गिरेगा। ये हो गया कंट्रोल वाली चीज, ठीक है। ये वाला भैया रूल एक नंबर का है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको तो कंट्रोल कर सकता हूँ, बट इसको नहीं कंट्रोल कर सकता, इस पे जितना लिखाएगा उतना ही लिखाएगा, इससे मैं ओवर नहीं लिख सकता, यह कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और भाई एक दो ही रूल बता रहा हूँ मैं, दूसरी चीज है मुसीबत के टाइम अपना मन शांत रखूं, क्योंकि अपन पैनिक होते हैं मुसीबत के टाइम। जैसे कुछ भी मुसीबत आ गई, जैसे कि स्टॉक मार्केट किसी भी चीज में, मान लो किसी भी चीज में लॉस हो गया, जैसे 10-20 हजार का मेरा होता रहता है, ठीक है ठीक है, हो गया। अब तुम अगर पैनिक करते हो उस सिचुएशन में, तुम्हारा और लॉस होगा, ठीक है। जैसे कैपिटल 50 हजार है तुम्हारे पास, अगर तुम उस सिचुएशन में, ठीक है, जैसे अपने पास 50 हजार कैपिटल पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ पैनिक होने का, ठीक है ठीक है। किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत हो, शांत रखो, मन शांत रखो तो सब हल हो जाता है। उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये 50,000 का कैपिटल है, तुमने आज 2 ट्रेड ले ली 3 ट्रेड ले ली, उसके हिसाब से अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार ये, चलो दूसरा समझाता हूँ भाई, मैं इजी समझाऊंगा। क्या समझाऊं यार इसके बारे में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या समझाऊं तुम लोगों को। ऐसे समझ जाओ यार, किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत हो, शांत हो, मन शांत रहेगा तो आराम से ही पार कर सकता है सिचुएशन। दो ही है भाई, दो ही लेसन दे सकता हूँ आज मैं तुम्हें, मेरे पास तो बहुत सारे लेसन है जिनको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा, करता हूँ भाई डेली, बहुत सारे मेरे पास 100 है, पूरे 100 वैसे तो हैं, तो 1000 बट वो 1000 इतने हो जाएंगे कि मेरी बैंड बच जाएगी लिखते लिखते, इसलिए मैं 100 लिख रहा हूँ, जो मेन है उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ये दो रूल याद रखना हमेशा लाइफ में अपनी, जो मैंने तुम्हें बताऊँ। माता हमारा वैसे दिमाग खराब है, को तुम और आ गई होगी, ए भगवान अंदर घुसती है ये भैया, हमारे ब्रश नहीं खा जाइयो, तुम 2 ब्रश खा चुकी हो, बाहर जाओ। एक तो जबरदस्ती घुसती है भैया, सब तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं घुसना टीनू, गंदी बात है ना किसी के घर में घुसना, कौन समझा यार इनको, दूसरों के घर में नहीं घुसते भैया। छोटे में सोती थी तुम, अब नहीं सोती, अब छोटी नहीं हो तुम, अब तुम्हारे बच्चे हैंगे, अब तुम माँ बन चुकी हो। अब ऐसे हमारे घर वाले भैया पूरे के पूरे बाहर गए हुएंगे, अभी कोई घर पे नहीं है हमारे सिवा, हम अकेले हैं। देखो मुंडी मोड़ ली उनने, गुस्सा आ गई उनको, अरे भैया ब्रश नहीं खा जाना। हमारे गाय माता पता है साबुने खा जाती हैं, पूरी नहाने की, कपड़ा धोने की, जो भी रखी रहती है इधर पे रखी रहती है, बाहर नहीं तो उधर पे रखी रहती है, ठीक है। तो बढ़िया आएंगी और पूरी साबुन, ए भैया ए अंदर नहीं जाना, वो मम्मी चिल्लाएंगे, हमारी जाओ ऋषभ आ गया मम्मी को छोड़ के, ये देखो कैसे देख रही है, अरे मम्मी अभी गई है बेटा, मम्मी नहीं आई, ऋषभ आया, सो जाओ गुज्जी बुच्ची लेने गया था भाई, चाय बना यार जल्दी से, अच्छी बात है। पंचर हो गई गाड़ी, है गाड़ी पंचर हो गई, गिट्टी में अभी गाड़ी पंचर हो गई भाई, हवा निकल गई थी अभी। इसको दूध दो भैया, ये मांग रही है, मम्मी लेगा, हम देंगे थोड़ा दूध तुम्हें, दूध पीना तुम अभी, ठीक है थोड़ी देर से रुक जाओ, अभी तुम बैठो भाई, दूध देंगे तुम्हें हम। लाइट देवी बड़ी होशियार है भैया, बोली कि तुम बहुत परेशान हो रहे हो लिखने में, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो लिखने में, बट देवी जी ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो बोला कि रहने दो मत लिखो, हम लाइट ही गायब कर देते हैं, उसने लाइट ही गायब कर दी, थैंक यू सो मच, बट अभी हमें 10 पॉइंट्स और लिखने, तो आ जाओ यार प्लीज। 90 कम्प्लीट होने वाला है, देखो 90 कम्प्लीट होने वाला है, 90 के बाद अभी हमें कम्प्लीट करना है बहुत सारा भैया। भैया हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हमारे माइंड से लिख रहे हैं हम, जो जो हमें अपने लाइफ में चाहिए वो उतार रहे हैं माइंड में, ये बहुत जरूरी चीज़ है। दो तो हमने बता ही दिए, अब यार बताएं क्या, नहीं बताएं यार बाद में बताएंगे, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, 2 पॉइंट वो भी बहुत जरूरी थी, ठीक है। हाँ ये तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, पल्ले नहीं पड़ेंगे, तो मैं सच्ची बता, जो हमने लिखा है ना वो ऊपर से जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आता है, वो हमारे लिए है, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती ना भाई, इसीलिए। पन्ना कोरा पड़ा हुआ है कागज, कोरा कागज, ये हमारी
टेंथ की है, ऋषभ भैया की ट्वेल्थ की है, वैसे तो सर हमने इसे ले ली थी। हाउ टू रीड पेपर लाइक अ बुक, या दैट्स अ बुक, ये भी बुक है भाई, इसकी मैंने समरी सुनी थी पता है, हाउ बुक, हाउ टू रीड अ पीपल लाइक अ बुक, ये मेरे को है ना बुक चाहिए, अभी मैं जाऊँगा ना भोपाल जब भी जाऊँगा तो ये बुक मेरे को फाइनली बाय करनी है, हिंदी हिंदी वर्जन, कि भाई इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं बुक इंग्लिश में पढ़ूँ ना, क्या ना ट्रांसलेट तो हिंदी में ही होनी है अपने हिसाब से, क्योंकि अपन इंडियन है तो अपनों को ट्रांसलेट तो हिंदी में ही करनी है, चाहे आती भी हो चाहे नहीं भी आती हो, समझ में तो हिंदी में ही आएगी अपने, तो हिंदी में पढ़ेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे। हो लाइट आ जाए यार, बहुत सारा काम है मेरे को अभी, अरे यार नहीं आ रही यार ये भैया, जब तक लाइट नहीं आती तब तक इंतजार करता है, लाइट तो गोन गई गई, अपन बैठे इधर पे, अभी तो भाई शाम हो रखी है। हाँ भैया तुम क्या कर रहे हो, मुंह कर रहे हो तुम, चिल्ला रहे हो क्या कर रहे हो, पैर हिला रहा हूँ, पैर हिलाने की गंदी आदत होती है, तो भाई काम डाउन, शांति, नहीं चली गई है वो, आ रही हुई है, आ रही होंगी, आ रही होंगी आधे घंटे से, दादी और मम्मी गई है ना, कुछ अभी अभी उनके लेने गए उनको अभी, बब्बू चाचा सब भैया चल रही है, बोरिंग बोरिंग बहुत ज्यादा कुछ, कल तो लाइट चुंग 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 हो रही थी, बट अभी सही है, वर्कआउट टाइम हो गया, लिखाई कंप्लीट नहीं हुई भैया मेरी कसम से, जान निकल जा रही है ये सच्ची में। हाँ भाई आई है लाइट, लाइट देवी कसम से जान निकाल दी, तुम नमे कट्टे लिख रहे थे, बट क्या करें छुई नहीं यार, लिख लेते हैं थोड़ा, भगवान से शक्ति लेते हैं और लिखते हैं, था तीन पेज लिखा गए, चार पेज, पच्चीस पच्चीस नहीं चार पेज लिखाना था भाई, चार पेज ही लिखाना था, ठीक है, एक दो तीन चार, बट लिखा गए पांच पेज, अब हुआ जाके एंड इसका, पूरी सीरीज का हमारी, ओ मम्मी कमर दुखने लगी यार, कुछ भी बोलो बट कमर की बैंड बज गई है सच्ची है, अब माइंड फ्रेश करने को कुछ करना पड़ेगा, इधर आओ निशाना बनाया जाएगा तुम्हें, तुम रह के जाओ इधर पे, अब हम तुम पे लगाएंगे निशाना, ठीक है, इधर रहना, निशाने के लिए होगी जॉय क्रीम, जॉय आ जाओ इससे लगाएंगे उस पर निशाना, अब होगा माइंड फ्रेश हमारा, हमारे काम है भैया ऐसे ही, अब इधर से खड़े हो गए, ओ शेट कोई नहीं, पहला निशाना सबका चुप है, दूसरा कंप्लीट होगा, अब तो ऐसे काम करते हैं घर में, वैसे ही अकेले पड़े छुई छुई कर गया इसको, ओहो दूसरा मिस हो गया, तीसरा और आखिरी है मेरे पास, वो कहाँ गई, वो नीचे झुकी है भैया, नीचे पड़ी है, ये आखिरी पॉइंट मतलब आखिरी है मेरे पास, और ओ शिट आखिरी भी मिस हो गया, अब नहीं जाऊंगा वो तो उधर उस पार चली गई, तो भैया ये गेम एंड करते हैं, निशाना नहीं लगा बट हार नहीं मानी, बाद में करेंगे गेम प्ले, गेम गेम होता है कभी प्ले कर लो, तो यार चलो अपनी पढ़ाई को तो एंड करते हैं, चलो भैया पढ़ाई बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया आज तो ओवर, गुड बाय, अब होगी गाइस वर्कआउट की तैयारी, वर्कआउट की तैयारी कैसी होगी, जैसी होती है पहले अपने बाल बांधना पड़ेगा, बाल बांधने के लिए चाहिए चोटी के लिए रबड़, रबड़ लेके आता हूँ, एक सेकंड रुक जाए, रबड़ मिल गई है मेरी, ये रबड़, ये है रबड़, इससे पहले अपन अपने बाल बांध लेते हैं क्योंकि वर्कआउट की तैयारी होगी है, कितने बज गए, सात बज गएंगे, अच्छा भैया नहीं आया यार पता नहीं क्यों नहीं आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने बाल बांध गएंगे, बालों को बांधते हैं, अब सेकंड काम है वर्कआउट करना, उससे पहले हाँ ये तुमने मैं डरा दो यार, तुम एकदम से भूल गए, चाचा आ गए ट्रैश लेके आए हो तुम, यार चाचा ट्रैश लेके आ गए, नहीं 10 रुपए वाली रास के लिए बहुत है, देखो कौन सी ट्रैश लेके आए, अच्छा रास्ते में, हाँ इनके पास मोबाइल नहीं है भाई, भैया चाचा ऐसे में मोबाइल नहीं रखते, पकड़ो आ रहे, चलो नीचे आ रहे हैं थोड़ी देर, फिर अपन वर्कआउट करते हैं भाई, वर्कआउट कंटिन्यू, सबसे बड़ी चीज होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, वर्कआउट के लिए क्या होता है ना, ये होता है सबसे बड़ी चीज, जब तक ये नहीं उतारी तो वर्कआउट कैसा, ठीक है, पहले तो मैं अपने बॉडी आईने में दिखनी होती है, जब बॉडी आईने में दिखती है तब होता है सही वर्कआउट, तो बॉडी दिखनी चाहिए आईने में, अभी अपना आईना है, इसको रखेंगे बॉडी बनाने की जगह पे, वहाँ पे फिर करेंगे आराम से वर्कआउट, ठीक है यार अपन वर्क करते हैं वर्कआउट, तो बाय बाय कल मिलते हैं।